श्री संदीप कुमार पाठक, 5 मिनट्स प्लीज कन्फाइन टू द टाइम। धन्यवाद चेयरमैन सर। लाखों विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, जिनके संघर्ष को आज मैं इस सदन में मेरे माध्यम से आवाज बनने की जो मुझे सौभाग्य मिला है, इसके लिए इस सदन का भी, मेरी पार्टी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, जैसे कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं, 10 साल की शुरुआत में ही पता चल जाता है, सरकार को इस पर काम शुरू कर लेना चाहिए था। 10 साल हो गए, आज इस कार्यकाल के अंतिम सेशन के अंतिम दिन इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं, इसी से पता चलता है कि सरकार की इस पे नियत क्या है। सर, मैं 2 मिनट पे ये बताना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक्स हुए हैं, और 70 पेपर लीक सर ये रिपोर्टेड है, अनगिनत तो बिना रिपोर्टेड ही चले जाते हैं। इसमें लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को बेचा गया, उस पर धंधा किया गया। ऑनरेबल सर, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि ये कोई सामान्य बिल नहीं है, ये कोई पेपर लीक, कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, सबको स्पष्ट कर दूं, ये बड़ा नेक्सस है, माफिया है। इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पर इस पर धंधा बना रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो इसे टेक्निकल मिस्टेक ना समझे, एक धंधा, एक माफिया है। शुरुआत आप करें व्यापम से। व्यापम में सर 2009 में हुआ था, व्यापम इस घोटाले और इस पेपर लीक और पूरे घोटाले में मुख्यमंत्री तक के दरवाजे तक बहुत बात पहुंच चली गई थी, कई सारे नेताओं के ऊपर बात चली गई थी। ये ऐसा हुआ कि जो बच्चे भुक्त भोगी थे उन पर केस चलाया गया, और जिन्होंने पेपर लीक किया था उन पर कोई केस नहीं हुआ। ऑनरेबल चेयर संदीप जी, प्लीज व्यापम एक से बात डू नॉट मेक एलिगेशंस, और यू हैव टू ऑथेंटिकेट। यस, कमिंग टू पॉइंट सर, दिस इज प्रीसाइजली पॉइंट सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री सर। सर, व्यापम एक से काम नहीं बना, व्यापम दो आया, जैसे 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 सिंघम 1 सिंघम 2 आता है। व्यापम 2 में सर पटवारी की परीक्षा थी, 10 बच्चों की मेरिट लिस्ट निकली, उसमें से 7 बच्चे एक ही सेंटर से सफल हुए। ये जिस नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का ये सेंटर था। मैं नाम नहीं लूंगा सर। इसके साथ उत्तर प्रदेश में 8, राजस्थान में 33, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, आसाम में, ऑनरेबल चेयर सर, 3000 रुपए पे व्हाट्सएप पे पेपर बिक रहे हैं। लेकिन इन सब का उद्गम, द जेनेसिस, गुजरात में है। गुजरात एक प्रयोगशाला है पेपर लीक का। सर, इसके मैं आपके सामने तथ्य रखता हूं। एनी एलिगेशंस यू मेक, 10 सालों यू हैव टू ऑथेंटिकेट, अदरवाइज दे विल बी, आई एम ऑथेंटिकेटिंग एवरीथिंग एक्सपंज फ्रॉम द रिकॉर्ड, पिछले 10 सालों में सर 24 पेपर लीक हुए, 24 पेपर लीक हुए सर, बेस्ड ऑन इररिफ्यूटेबल एविडेंस। प्लीज पब्लिक डोमेन में सर 24 पेपर लीक, प्लीज ऑथेंटिकेट बाय द एंड ऑफ द डे टुडे, अदरवाइज इट विल हैव टू बी एक्सपंज फ्रॉम द रिकॉर्ड। 2014 में इट विल हैव टू बी एक्सपंज फ्रॉम द रिकॉर्ड, 2015 में तलाटी, 2016 में तलाटी सुरेंद्र। आई थिंक वी विल गिव यू टाइम। मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स ओवर हियर, या आई हैव आस्क्ड ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स टू बी ऑथेंटिकेटेड, ऑल एलिगेशंस टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द एंड ऑफ द डे टुडे। आई विल ऑथेंटिकेट सर, इट इज इन पब्लिक डोमेन, अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट रूलिंग, अदरवाइज इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपंस फ्रॉम द रिकॉर्ड। आई विल ऑथेंटिकेट सर, इट इज इन पब्लिक डोमेन, थैंक यू वेरी मच सर। 2015 में तलाटी, 2016 में तलाटी सुरेंद्र नगर, गांधीनगर, 2018 में मुख्य सेविका, 2018 में टीचर एप्टीट्यूड, 2018 में नॉन सचिवालय क्लर्क, 2019 में नॉन सचिवालय क्लर्क, जूनियर क्लर्क, इट गोज ऑन। ऑनरेबल सर, जब ऑफलाइन की परीक्षा पे गड़बड़ियां होनी शुरू हुई, तब ऑनलाइन की परीक्षा आई। ऑनलाइन में सर मैं आपको उदाहरण देता हूं, गुजरात का ही उदाहरण दूंगा सर। एनर्जी डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुए, कंप्यूटर के सामने दूसरा व्यक्ति बैठा और परीक्षा कोई दूसरा दिया। इस पे कोई राजनीति मैं नहीं कर रहा, ये सभी पार्टियों को इंट्रोस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। हम जिस अमृत काल की बात करते हैं, उस अमृत काल का आधार ही यही है। ये कैसा अमृत है? इसमें अमृत तो वो पीते जा रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है, माफिया है, और जहर किसको मिल रहा है? जनता को मिल रहा है। ऑनरेबल सर एक्टिविस्ट हैं वो जेल में भेजे जा रहे हैं, और जो माफिया है वो फ्री रन कर रहा है। सर, इस बिल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? इस बिल के माध्यम से हम ये कर रहे हैं कि चोरी हो जाने के बाद जो गुनाहगार है उसको 3 से 10 साल की सजा दे रहे हैं।
सर, जब चोरी को रोकने की क्या प्रक्रिया है, बच्चों के भविष्य को रोकने की क्या प्रक्रिया है, इस पर सोचना पड़ेगा। सर, इस बिल में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ का प्रावधान है। मैं सरकार को सुझाव देता हूं, सर, इसको उम्र कैद बनाना चाहिए और संपूर्ण संपत्ति जब्त करना चाहिए। जब एक व्यक्ति की हत्या में उम्र कैद होती है तो लाखों बच्चों के भविष्य की हत्या करने पर 3 साल और 10 साल, ये क्या मजाक है? इस धंधा को अगर बंद करना है, उम्र कैद की सर प्रावधान रखिए। सर, इस पे मैं आपके माध्यम से आपको सलाह देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, राजनीति बदलनी पड़ेगी सर, राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जब्त हो जानी चाहिए जितने भी आम पार्टी के नेता अंदर है उनकी। इसी मिस पाठक, नहीं जी, आई थिंक नो फर्दर, नथिंग एल्स विल गो ऑन रिकॉर्ड। व्हाटएवर एलिगेशंस हैव बीन मेड बाय यू मिस्टर पाठक, दे हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड by evidence by the end of the day today, otherwise all the political allegations, naming of a state without any basis will be removed from the, will be removed, expunged from the records. Thank you. Next. I think whatever is, I'm only following the rules set by the Honorable Chairman. I have not, yes. No, I think this, the chairman has ruled on many occasions that by the end of the day, business day, record has to be placed.